होडल ब्लॉक में हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ चल रहा सरपंचों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हरियाणा में सरकार के खिलाफ सरपंच इंद्रण लामबंद हो रहे हैं। सरपंचों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। पलवल के गांव भिड़ोकी से सरपंच शशि बाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार ने ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया है, लेकिन इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे और ऐसा करके सरपंचों की शक्तियों को कम करने का काम किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार ठेकेदारों और अपने अधिकारियों को ये अधिकार दे रही है और इसके जरिए ठेकेदार और अधिकारी आपसी मिलीभगत कर विकास कार्यों को प्रभावित करेंगे और इससे विकास कार्यों में सरपंचों की भागीदारी कम होगी। सरपंचों ने इस प्रणाली को पूरी तरह से बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा, जब तक सरकार इस प्रणाली को वापस नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शशि बाला ने कहा कि उनका यह धरना प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई ई ट्रेडिंग प्रणाली के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने ई ट्रेडिंग प्रणाली को वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अभी विधायक और मंत्री भी यही चाहते हैं कि सरपंचों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली यह नहीं चाहते हैं। लेकिन जन आंदोलन के आगे एक व्यक्ति विशेष की कभी नहीं चलती है। समूचे हरियाणा प्रदेश के सरपंच सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार ने जो हमारे 20 लाख के काम करने के अधिकार थे ना, उनको वापस किया। उन अधिकारों के खिलाफ हम बैठे हैं। सरकार के खिलाफ कतई नहीं है। और जब तक हमें वही अधिकार, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री और वही सरपंच, जब वही सरपंच 20 लाख का काम कर रहे थे तब इन्होंने किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना उनके अधिकार कम किए। आज जब नई सरकार चुनी गई है, अरे ये सरपंच भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, जब ये सरकार ने हमारी एक गांवों की सरकार चुनी गई है, इनसे 20 लाख की पावर वापस क्यों ली गई? व्हाट इज द रीजन? तो इसलिए जब तक वही अधिकार हमें नहीं मिल जाएंगे ना, हम दबने और कुचलने वालों सरकार नहीं है, नहीं देगी। आप 1.5 साल पीछे इनका भविष्य देख लेना। तो इनको ये परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हर किस उनका मन भी मान रहा है। आप यकीन करना कि सभी विधायक और मंत्री चाहते हैं कि सरपंचों को ये अधिकार वापस दिया जाए, लेकिन एक पंचायत मंत्री है जो प्रेस्टीज इशू बना के बैठा है और जन आंदोलन के सामने एक व्यक्ति विशेष की कभी नहीं चला करती। मैं फिर दोहरा रही हूँ अपनी बात को, सर्वसम्मति से और सभी सरपंचों के माध्यम से, कि ये 20 लाख का अधिकार सरकार को वापस देना पड़ेगा। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।